रहमानिरहीम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से हैं? हाँ जी, आज आपको हम बता रहे हैं प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर प्रो 200 कलर। ठीक है, इसमें इशू ये आ रहा था कि ये डेड हो गया हुआ था, इसकी पावर सप्लाई बर्न हो गई हुई थी। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी पावर सप्लाई मार्केट में नहीं मिलती। ठीक है, हमने इसकी मॉडिफ़ाई किया। कैसे मॉडिफ़ाई किया? हमने इस प्रिंटर्स की जो पावर सप्लाई इस साइड पे लगी होती, फॉर्मेट बोर्ड इस साइड पे लगा होता है, दूसरी साइड पे फॉर्मेट बोर्ड लगा होता है इस साइड पे, और हमने क्या किया, इसकी जो पावर सप्लाई थी हमने ये वाली पावर सप्लाई लगा दी। ठीक है, उसके अंदर से वायर निकाली और ये 24 वोल्ट की बाहर लगा दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसकी बैक एंड के ऊपर से देखिएगा, ये देखिएगा, हमने यहाँ से एक पावर 24 वोल्ट की ये निकाल दी और ये 220 इसके जो फ्यूज़र फिल्म के लिए जा रही है। ठीक है, हमने इसको लगा के इसको अप कर दिया। इसका ये फ़ायदा हो गया हमारे पास कि हमने जो है ना, इसका प्रिंट निकाल के मैं आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है, ये इसका प्रिंट आ गया, इसको हमने प्रिंट दे दिया। ठीक है जी, ये इसका प्रिंट आ गया। ठीक है जी, इसका जो प्रिंट है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी हमारे पास जो केबल्स है, ठीक है जी, प्रिंट आपका इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है जी, इसके ऊपर ये देखिएगा, प्रिंट का कमांड आना शुरू हो गया था। ठीक है, और ये देख मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ हमारी केबल्स के अंदर कोई इशू है जिसकी वजह से ये प्रिंट जो है ना डिले कर रहा था। ठीक है, ये हमारा प्रिंट आ गया। ठीक है, और ये देखिएगा अभी, ठीक है जी, इसके ऊपर इसकी प्रिंट क्वालिटी भी चेक कर लीजिएगा, ये दोनों साइड्स के ऊपर, ये साइड्स के ऊपर भी। हमारा एक प्रोजेक्ट था रेंजेस के हवाले से, हमने इसके वो निकाल दिया इसके ऊपर, तो ये बेसिकली ये काम इस तरह से कर रहा है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई आपको प्रिंटर्स में कोई इश्यू आता है तो हमें कमेंट्स में लिखे, हम आपको सजेशन देंगे कि ये प्रिंटर हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से ये चल सकता है। ठीक है, और इसके टोनर की, और यहाँ से आप बंद भी करें। ठीक है, इसको प्रेस करके रखना आपने। ठीक है, ये शट डाउन की कमांड, ये शट डाउन हो गया। यहाँ से फिर हमने इसको, ये देखिएगा शट डाउन हुआ, यहाँ से फिर हमने इसको ऑन किया। ठीक है जी, आ गया। ठीक है, और ये इसके ऊपर इंटीग्रेशन जो आ रहा है HP का लिखा आ रहा है। ठीक है, और इसको इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज होने के बाद ये आपका रेडी पे आ जाएगा। फिर इसके कैलिब्रेशन के ऊपर भी आता है और दूसरा इसके टोनर को रीड करता है, रीड करने के बाद फिर ये अब रेडी पे आता है। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी आप लोगों का, और आप लोग अच्छा तावन कर रहे हैं। ठीक है, और किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा प्रिंटर्स के हवाले से, आपको LCDs के हवाले से, आपको लैपटॉप्स के हवाले से, या कहा कि आपको कैमराज के हवाले से किसी किस्म की कोई भी ट्रबल शूटिंग करनी हो तो बताइएगा और लिख दीजिएगा, और कोई भी हेल्प चाहिए होगा बताइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह मियाँ खुश रखे, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।